हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर होंगे। मैं हूँ अली और आप देखने मेरा चैनल चौका टन। मैं लाया हूँ न्यू वीडियो। अब जो न्यू वीडियो है ये है, मतलब जो अपडेट आई है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू वीडियो है, और कोई इवेंट आया नहीं है तो इसलिए मैं सोचा कि रिव्यू वीडियो ही बना लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ वगैरह मिलते रहें। तो सबसे पहले हमारा साइकिल भी चेंज हो चुका है, नया RPP आ चुका है, और क्या कुछ चेंजिंग हुई है थोड़ी इस पर करते हैं बात। सबसे पहले तो यहाँ पर C2S4 आ चुका है, मैं क्रोन किया तो इसलिए मुझे क्रोन का टैग मिला, और साथ ही यहाँ पर जो आप डिमोट होते हैं वो तरीकाकार बताया गया कि आपको किस अप रैंक में फेंक दिया गया है। अब यहाँ पर क्या स्किन आई हुई है, कौन सा आउटफिट आया हुआ है, क्या कुछ मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में भी करेंगे बात। तो सबसे पहले तो मुझे मतलब कि एक चश्मा दे दिया गया है जो कि आपको ब्रॉन्ज पर मिल ही जाएगा जब आप ब्रॉन्ज से सिल्वर करोगे। तो उसके बाद ये रैंक पुश का सिस्टम था वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैं फिर साइकिल मेमोरीज़ में गया कि साइकिल मेमोरीज़ में कोई अच्छी चीज़ आई हुई है कि नहीं। अभी तक तो वो पुराना टाइटल चल रहा है, नया टाइटल जब जुजुत्सु केसन नया मतलब कोलैब आएगा तब आएगा, क्योंकि उसमें भी चार हीरोज़ हैं और चार हीरोज़ के साथ बात करनी होगी या कोई उनके मिशन करने होंगे तभी होगा। और साथ में साइकिल रिवार्ड में आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्रोन का मतलब वो दे दिया गया है रिवार्ड, स्टैम्प रिवार्ड, जिसमें आपको ये आउटफिट मिलेगा और डायमंड में आपको हेड केयर मिलेगा। जब आप इन दोनों को यूज़ कर लेते हो तो आपका आउटफिट इस तरह का दिखता है, और साथ में यहाँ पर एक हावर बोर्ड मिलेगी। और ये किस तरह मिलेंगे रिवार्ड्स, आपको करना पड़ेगा रैंक पुश, और हाँ ये आपको सीज़न मतलब कि 4, 5, 6 लगातार करेंगे एस, और आपको तभी जाकर ये हावर बोर्ड मिलेगी और तभी जाकर ये आउटफिट वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी, अगर आप तीनों बार लगातार आप ये करेंगे तब। आगे चलते हैं तो साइकिल 2 सीज़न S4 का जो ये वाले रैंक सिस्टम का रिवार्ड है वो भी रैंक सिस्टम का रिवार्ड है। ये भी अगर यहाँ से आप रैंक पुश करते हो तो यहाँ पर भी आपको रिवार्ड मिलेंगे, वहाँ से करते हो तो वहाँ पर भी आपको रिवार्ड मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आउटफिट, पैराशूट और ये तमाम चीज़ें जो आपको पहले भी पता हैं कैसे मिलती हैं, तो ये रैंक पुश सिस्टम है, आपको करनी पड़ेगी रैंक पुश। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ शॉप में फीचर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर कोई मतलब मैंने सोचा कि देख लें कोई नई चीज़, तो यहाँ पर एक बॉक्स आया हुआ है जो क्लासिक सप्लाइज के नाम से है। जब आप इसे ओपन करते हो तो आपको परमानेंट एक या दो वो मिलेंगे लाजमी 100% कॉइन्स, जिनको आप रिडीम करके वो मिनी वाला इवेंट आया हुआ है आप उससे वो कर सकते हो, मिनी ख़रीद सकते हो। तो बाकी यहाँ पर ये नई चीज़ अपलोड की है, अभी इसका मैं आपको बताता चलूँ ये क्या चीज़ है। ये तभी काम करेगी जब आप किसी एनिमी को किल करोगे और क्लासिक मैच में, तब आपके फुटप्रिंट रेड होंगे या कुछ ऐसा। ये अब ये तो जब हम मैच लगाएंगे तभी जाकर ही पता होगा, लेकिन सुनने में ये आया कि जब आप किल करोगे तभी आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। बाकी DP का ग्लिच हो गया, जो नई DP आई है स्किन आप देख सकते हैं, इसका ऊपर वाला रिलोड मैग गायब हो चुका है, यानी रिलोड मैगजीन दिखाई नहीं दे रही, आप ये देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्नैपर गन मैंने उठाई हुई है। अभी मैं इसे इक्विप करता हूँ तो ये देखें फिर से गायब हो जाता है, जब इसे मैं अनइक्विप करता हूँ तब वो मैग वापस आ जाते हैं। तो ये तो जस्ट फॉर ग्लिच था, जो नई हमारी यानी रॉयल पास आ चुका है उसमें DP की स्किन आ चुकी है। साथ ही एडवेंचर बॉक्स सिस्टम जो होता है उसमें आ चुका है, ये देख सकते हैं ये वाला आउटफिट और साथ में स्कारल की स्किन और ये आउटफिट वगैरह, जो कि आपको तभी मिलते हैं जब रॉयल पास के आप मतलब 100 RP कर लो तो उसके एक्स्ट्रा जो RP पॉइंट्स होते हैं उनसे आप इन्हें ओपन कर सकते हो। तो ये तो था वो सिस्टम। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, तो ये ऐसी वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय।